السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، صدق الله العظيم. دوستو بزرگو، دین اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے جو اللہ نے نعمت بنا کر ہمیں دیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان فرمایا ہے کہ دین اسلام یہ نعمت ہے اور یہ میرا پسندیدہ ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے دین اسلام کی نعمت کو مکمل کر دیا ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا، جو ہمارا خالق اور مالک ہے، اس کا پسندیدہ مذہب ہے. اسلام خود پاکیزہ ہے اور پاکیزگی ہی کی تعلیم دیتا ہے کہ آدمی اپنی زندگی کو اور اپنی زندگی سے متعلق ساری چیزوں کو پاکیزہ رکھے، یعنی انسان کی زندگی صاف ستھری ہو. یہ ہے اصل چیز، انسان کی زندگی صاف ستھری ہو. اور اس بات کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان، پاکی ایمان کا بڑا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے. اور دوسری حدیث میں اس کو نصف الایمان کہا ہے، کہ پاکیزگی اور پاکی یہ آدھا ایمان ہے. طہارت ایک عربی کا لفظ ہے اور اس کے معنی میں بڑی وسعت ہے، بہت وسیع اس کے معنی، جو آدمی کی زندگی اور آدمی کی زندگی سے متعلق ساری چیزوں پر حاوی ہے. دل کی طہارت، آدمی کے بدن کی طہارت، آدمی کے کپڑوں کی طہارت، آدمی جہاں رہتا ہے اس جگہ کی طہارت، اللہ کے گھر میں جاتا ہے تو اللہ کے گھر کی طہارت، آدمی اپنے گھر میں رہتا ہے تو اپنے گھر کی طہارت، جن چیزوں کو آدمی استعمال کرتا ہے اس کی طہارت، جو آدمی اعمال کرتا ہے ان اعمال کی طہارت. بڑا وسیع مفہوم ہے طہارت. پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ طہارت یعنی پاک ہونا، اور دوسرے صاف ہونا. ان دونوں چیزوں کے بارڈر ملتے ہیں. کبھی طہارت کے نام پر صفائی کا شبہ ہو جاتا ہے، اور کبھی صفائی کے نام سے طہارت کا شبہ ہو جاتا ہے، کیونکہ دونوں قریب قریب کی چیزیں ہیں، اور دونوں چیزوں کو اسلام میں پسند کیا گیا ہے. صفائی
अच्छी चीज़ है। हदीस में आता है अन्नज़ाफ़ा, अल्लाहु नज़ीफ़ुन युहिब्बुन नज़ाफ़ा, अल्लाह ख़ुद साफ़ सुथरे हैं और सफाई सुथराई को अल्लाह पसंद करता है, हदीस में आता है। तो इस्लाम में सफाई को पसंद किया गया है, लेकिन तहारत और उससे आगे का दर्जा और उससे ऊंचे का ऊंचा मकाम रखती है। बाज मर्तबा आदमी साफ सुथरा होता है लेकिन पाक नहीं होता। एक आदमी है जो शरी एतबार से नापाक है, उसको गुस्ल की हाजत है और उसने अपने पूरे जिस्म को पानी से धो भी लिया है और बड़ा साफ सुथरा लिबास पहनकर और वो बाहर निकलता है और लोग उसको बड़ा साफ सुथरा कहते हैं और समझते हैं। वो कहीं अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए इस्तंजे खाने में गया और उसने खड़े होकर इस्तंजा किया, बाहर निकल कर आया, आपको बज़ाहिर उसका बदन उसके कपड़े बड़े साफ सुथरे नज़र आएंगे लेकिन हकीकत में वो उसका जिस्म भी नापाक है और उसके कपड़े भी नापाक हैं। तो पाकी अलग चीज़ है और सफाई अलग चीज़ है। सफाई अच्छी चीज़ है, साफ़ सुथरा रहना चाहिए और साफ़ सुथरी चीज़ रखनी चाहिए, लेकिन पाकी उससे ऊपर की चीज़ है। सबसे पहली चीज तो आदमी के दिल की सफाई है। दिल अल्लाह ने अपने लिए बनाया है और एक पाकीज़ा चीज है, जैसे शीशे का बर्तन होता है साफ सुथरा। अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि ईमान वाले के दिल में ईमान हो, मेरी मोहब्बत हो और इस दिल में किसी की कोई गंदगी ना हो, ना किसी के लिए हसद हो, ना कीना हो, ना बुग्ज हो, ना अदावत हो, ना दुश्मनी हो, ना किसी के लिए कोई बुरा जज्बा हो, ना गुनाह के ख्यालात हो। अल्लाह ये चाहते हैं कि दिल इन तमाम गलत चीज़ों से पाक हो। ये दिल की पाकीज़गी है कि आदमी अपने दिल को इन तमाम चीज़ों से पाक रखे। और इसके लिए बड़ी बशारत सुनाई गई है जिसका दिल ऐसी चीज़ों से पाक होता है कि उसमें कोई किसी के लिए कोई बुराई नहीं। एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वसलाम ने एक मौके पर उनके बारे में सहाबा से फरमाया, जबकि वो नहीं थे मौजूद मजलिस में, और ये फरमाया कि अभी एक साहब आएंगे जो जन्नती हैं, लोग इंतजार में रहे कौन आता है। देखा कि साद इब्ने अबी वक्कास रदी अल्लाहु अन्हु तशरीफ लाए, बात आई गई हो गई। फिर एक मौके पर आपने फरमाया एक जन्नती आने वाला है, फिर साद इब्ने अबी वक्कास आए, फिर एक मौके पर ऐसे ही आपने फरमाया तो साद इब्ने अबी वक्कास को ही लोगों ने देखा। लोगों को फिक्र हो गई आखिर ये कौन सा ऐसा वजीफा पढ़ते हैं और कौन सा ऐसा अमल करते हैं जिनकी वजह से और जिसकी वजह से आप ये फरमा रहे हैं कि ये जन्नती है। तो एक साहब उनके घर चले गए और कहने लगे कि मैं आपका एक दिन मेहमान रहना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, आइए। साहबा बड़े मेहमान नवाज थे, एक दिन उनके घर रहे, सुबह से शाम तक दिन के अमाल भी देखे क्या करते हैं और रात को भी बिल्कुल इस तरह जैसे सो रहे हों, उनको देखा कि ये रात को क्या करते हैं। लेकिन देखा कि आम तौर से जो सब लोग कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, कोई अलग से कोई चीज़ नहीं है।
रात को भी इशा की नमाज पढ़कर सोए तो तहज्जुद की नमाज में उठ गए, अलग से कोई खास अमल रात को नहीं किया। 24 घंटे बाद कहने लगे अल्लाह का दिया हुआ मेरे घर में सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि मेरे घर में कोई खाने को नहीं था तो 24 घंटे आपके घर इसलिए रहा कि मुझे खाने को मिल जाए। मैं तो इस लालच में आया था कि अल्लाह के नबी ने आपको 3 दफा जन्नती कहा है तो मैं आपका अमल देखूं कि कौन सा काम करते हो। काम तो हम भी करते हैं लेकिन मैंने हमारे अमाल में और आपके अमल में कोई फर्क नहीं देखा। तो कहने लगे कि मैं कोई खास अमल नहीं करता हूं, बस इतनी सी बात है, जब रात को सोने लगता हूं तो अपने बिस्तर पर बैठकर देखता हूं कि शैतान ने मेरे दिल में किसी की कोई अदावत, दुश्मनी, कीना, बुग्ज, अदावत, किसी की बुराई तो नहीं डाल रखी है। खुदा ना खास्ता अपने दिल के अंदर अगर कोई चीज ऐसी पाता हूं तो अपने दिल को उसी वक्त पाक करके सोता हूं। किसी ने मुझे कुछ कह दिया तो उसको हाथों हाथ माफ कर देता हूं, किसी ने मेरे साथ कोई ज्यादती कर दी तो उसको दरगुजर कर देता हूं। यानी मुसलमान की या किसी इंसान की बुराई से मैं अपने दिल को हसद, कीना, बुग्ज़ और अदावत से बिल्कुल साफ करके सोता हूं। फरमाने लगे यही वजह है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने आपको 3 मरतबा जन्नती फरमाया है। यह है दिल की सफाई जो हमें जन्नत तक ले जाएगी और जन्नती बनाएगी। इसीलिए हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, वो कहते हैं तकवे की तफसीर में कि तकवा कहते किसको है। उन्होंने लिखा है कि तकवा इसको कहते हैं कि आदमी के दिल में जो कुछ जज्बात हैं अपनी जिंदगी से मुताल्लिक या दूसरों की जिंदगियों से मुताल्लिक, अगर उन सारे जज्बात को कोई शक्ल दे दी जाए और उसको एक थाल में सजा दिया जाए और लोगों के सामने उसको रख दिया जाए तो आदमी को किसी के सामने शर्मिंदा होना ना पड़े। फरमाया इसका नाम तकवा है। आज हमारे दिलों में तो इतनी बुराइयां हैं कि दूसरे तो बहुत दूर की बात, अगर वो किसी घरवाले के सामने आ जाए तो घरवालों के सामने शर्मिंदा होना पड़ जाए। फरमाया तकवा कहते ही इसको है। कोई लंबा कुर्ता और ऊंची शलवार या सर पे इमामा बांधने का नाम तकवा नहीं है। तकवा तो इसको कहते हैं कि आदमी के दिल के जज्बात सबके लिए पाक हो। यह है सब। सबसे पहली चीज आदमी की दिल की सफाई और दिल की पाकी, फिर बदन और कपड़ों की पाकी कि आदमी अपने बदन पर कपड़े पहना हुआ है, कपड़े साफ सुथरे भी हों और कपड़े पाक भी। इसीलिए इस बात को बाकायदा फजीलत के साथ बयान किया गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कपड़ा जब आदमी के जिस्म पर साफ सुथरा होता है तो जब तक वो मेला और गंदा नहीं होता उस वक्त तक वो अल्लाह का जिक्र करता रहता है और उसका सवाब कपड़ा पहनने वाले को मिलता है, और जब वो मेला हो जाता है, गंदा हो जाता है तो वो अल्लाह की याद करना बंद कर देता है। इसीलिए ताकीद फरमाई कपड़ों को भी साफ रखो और पाक भी रखो, और बदन को भी साफ रखो और पाक रखो, वरना फरमाया कब्र की जो सबसे पहली मंजिल है आखिरत की मंजिलों में, उसमें जो अजाब होगा वो बदन को नापाकी से ना बचाने की वजह से होगा। आप तशरीफ ले जा रहे हैं सहाबा के साथ, अपनी ऊंटनी पर सवार है, अचानक सहाबा ने देखा कि आपकी ऊंटनी बिदक रही है, डर रही है किसी चीज से। लोग कहने लगे कि क्या हुआ आपकी ऊंटनी को, ये कैसे बिदक रही है और ये कैसे डर रही है। अल्लाह के नबी से पूछ लिया, अल्लाह के नबी क्या हुआ आपकी ऊंटनी को। आपने फरमाया मेरी ऊंटनी को कुछ नहीं हुआ, ये जो करीब में कब्रिस्तान है इस कब्रिस्तान में 2 कब्र वालों को अजाब हो रहा है, उसकी वजह से यूं ऊंटनी बिदक रही है। एक को चुगलखोरी की वजह से कि इधर की बात उधर, उधर की बात इधर लगाता था, इसकी सुनी तो उससे कह दी, उसकी सुनी तो इससे कह दी और कोई तहकीक नहीं, बगैर तहकीक, इसकी सुनकर उधर लगा दी
उसके दिल में कोई बुराई बैठ गई कि अच्छा फला आदमी मेरे लिए ऐसी कह रहा था और फिर उसकी लेकर इसको कह दी। फरमाया ये आदमी सबसे बड़ा झूठा हदीस में कहा गया है। हदीस में आता है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, कफा बिल मरई कज़िबन अन युहद्दिसा बिकुल्ली मा समिअ। आदमी के झूठा होने के लिए सिर्फ इतना काफी है कि कोई बात सुने और बगैर तहकीक के दूसरे से कह दे। फरमाया ये आदमी सबसे बड़ा झूठा है। आपने फरमाया एक को ये इधर की बात उधर की बात लगाने की वजह से अजाब हो रहा है और दूसरे आदमी को पेशाब से बेएहतियाती की वजह से, कि अपने जिस्म को और अपने कपड़ों को पेशाब से नहीं बचाता था, इसकी वजह से अजाब हो रहा है, इस अजाब से मुतासिर होकर मेरी ऊँटनी भिदक रही। इसलिए एक हदीस पाक में आता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर मुझे यह डर नहीं होता कि तुम अपने मुर्दों को दफन करना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह से यह दुआ करता कि अल्लाह तुम्हें अजाब कब्र सुना दे, कि तुम भी सुन लेते कब्र वालों को क्या अजाब हो रहा है। और फिर यह फरमाया कि इंसान और जिन्नात के अलावा हर मखलूक उस अजाब को सुनती है। इसलिए फरमाया बदन को पाक रखो, कपड़ों को पाक रखो, बल्कि जो सबसे आला दर्जे की चीज है हर वक्त बावजू रहना, ये तो हमारे मसले का हल है। इसमें तो अल्लाह के नबी हदीस में फरमा रहे अदिम आलत तहारती युवस्य अलैका रिस्क, तुम हमेशा बावजू रहने की आदत डाल लो, अल्लाह तुम्हारी रोजी में वसात कर देगा, अल्लाह तुम्हारी रोजी में बरकत डाल देगा, अल्लाह तुम्हारी रोजी में फराखी डाल देगा। बस बावजू, और हम बावजू तो क्या रहेंगे, हम तो बागुसुल रहे, बागुसुल भी नहीं रहते। अल्लाह माफ फरमाए, कैसे नहीं रहते कि आदमी के ऊपर गुसुल जरूरी हो गया। हाँ भाई ना, और आदमी बहुत वक्त गुजार देता है नापाकी की हालत में, अभी नहीं बाद में देखी जाएगी, जरा ये काम कर लें जरा वो काम कर लें, और अभी तो सोकर उठे हैं, नमाज तो पढ़ी नहीं है, अभी जरा थोड़ा सा जब ऑफिस जाने लगेंगे और दुकान जाने लगेंगे तो उस वक्त जरा नहा लेंगे और गुसल कर लेंगे, कपड़े बदल लेंगे क्योंकि उसको फिर ऑफिस जाना है, अगर अभी नहा कर बैठ जाएंगे तो गर्मी का मौसम है वापस पसीने में हो जाएंगे। इसका कितना बड़ा नुकसान है, हदीस पाक में आता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जब मुसलमान का इंतकाल होता है तो मुसलमान के इंतकाल में जनाजे की नमाज में जैसे ईमान वाले शिरकत करते हैं, अल्लाह की मखलूक फरिश्ते भी शिरकत करते हैं। लेकिन अगर किसी आदमी ने गुस्ल वाजिब हो जाने के बाद ताखीर करी नहाने के अंदर और उस नापाकी की हालत में उसे मौत आ गई तो फरिश्ते उसके जनाजे में शरीक नहीं होते। अल्लाह के नेक बंदों के जनाजे में तो इतने लोग शरीक होते हैं, हजरत मुआविया इब्ने मुआविया लेथी रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े दर्जे के सहाबी हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तबूक में थे, आपने देखा कि सूरज की रोशनी एक दिन बड़ी नूरानी है जो इससे पहले आपने महसूस नहीं की, जिब्रील तशरीफ लाए, आपने पूछा जिब्रील क्या बात है आज सूरज में बड़ी अजीब रोशनी और नूरानियत है, जिब्रील कहने लगे अल्लाह के नबी आपको पता नहीं है मुआविया इब्ने मुआविया लेसी का मदीने में इंतकाल हो गया। आपने फरमाया मुझे मालूम, और यूं कहा कि अगर आप उनके जनाजे को देखना चाहें तो मैं दरमियान की सब चीजों को हटा देता हूं, सब पर्दों को हटा देता हूं, आप अब उनके जनाजे को अपने आप देख सकते हैं। चुनाचे जिब्रील अमीन ने ऐसा ही किया, आपने अपनी आंखों से देखा दो सफे हैं और हर सफ में 70,000 फरिश्ते मौजूद। तो सहाबा का आलम था, वरना आपने फरमाया हर मुसलमान के जनाजे में फरिश्तों की शिरकत होती है लेकिन उसके जनाजे में शिरकत नहीं होती जिसने गुस्ल के वाजिब हो जाने के बाद ताखिर की हो और उसकी नापाकी की हालत में इंतकाल होता। और ये सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, औरतों के लिए भी है। हमारी माँ बहनें तो बहुत बेहतियाती करती हैं, माजूरी की हालत है, जो भी उनके अय्याम होते हैं
तीन दिन, पांच दिन, सात दिन, दस दिन जो भी हैं, अब बड़ी सुस्ती के साथ, हाँ भाई अभी फारिग हुई हैं, ठीक है आज कपड़े धोने हैं और आज जरा बच्चों को फला काम कराना है और जरा शाम को देख लेंगे और सुबह देख लेंगे और आज तो मौका नहीं है, आज नहीं तो कल नहा लेंगे, बड़ी ताखीर होती है। इसलिए कि उन बिचारियों को पता ही नहीं है। और हम मर्दों का यह हाल है कि हमें खुद को ही मसाइल का पता नहीं है तो अपनी मस्तूरात को क्या बताएंगे। हालांकि मर्दों की जिम्मेदारी है, जिस तरह हम अपने घर की मस्तूरात की, खाने की, पीने की, अल्लाह न करे बीमार हो जाएं तो दवा की, गमी खुशी की, हर मौसम के एतबार से उनकी सहूलत की फिक्र करते हैं, वो जिम्मेदारी को निभाते हैं, वहां उनको दीन की बातें मालूम हों और वो शरीयत पर अमल करें, सुन्नत पर अमल करें, मसाइल की रोशनी में जिंदगी बसर करें, ये भी हमारी जिम्मेदारी। उनको कौन बताएगा, बड़ी ताखीर करती है। और पाकी नापाकी में आम तौर से बेएहतियाती उनसे बहुत होती है। बच्चे ने पेशाब कर दिया, गोद में ले लिया, छोटा बच्चा है, चलने फिरने लग गया, बच्चे से कह दिया जाओ तुम बाथरूम में हो जाओ। अब वो इतना बड़ा बच्चा हो गया है कि भाई बाथरूम में चला जाता है और इस तंजे से फारिग होकर आ जाता है, लेकिन वो अभी इतना है, पांच सात साल का या बच्ची है, कि उसको पाकी नापी का, पाकी का शऊर ही नहीं है। औरतों ने हमारी मस्तूरात ने सोच लिया, बच्ची है, इसको इस्तंजा धोना भी आता है और इसको जो है इस्तंजे से फारिग होना भी आता है, वो अपने तौर पर आ गई, उसके कहाँ छींटे लगे, बदन पाक है नापाक है, बदन गीला है, वो आ गई, आपने उसको अपनी गोद में ले लिया, हमारी माँ बहनों ने उसे गोद में ले लिया। बच्चे गुसलखाने में से आए, अब वो किस तरह आए, कहाँ से उनके छींटे लगे हैं, छोटे बच्चे होते हैं, माँ बाप को नमाज पढ़ता हुआ देखते हैं, अम्मा को देखा, बहना को देखा, वो नमाज पढ़ रही हैं, गीले पैरों से आकर वो भी उसे मुसल्ले पर आकर बैठ गई। हम ये समझ रहे हैं कि ये तो इसके पैर तो पाक हैं, पता नहीं छींटे लगे हैं, पाक हैं नापाक हैं। वो हमारा मुसल्ला भी, याद रखें कोई चीज दो चीजों से नापाक हो जाती है, या तो नापाकी गीली हो, सूरी सूखी चीज पर गिर जाए, कोई नापाक पानी था या पेशाब था बच्चे ने, भाई गिर गया कपड़े पर, कपड़ा पाक था, तो गीली नापाकी सूखी चीज पर गिरी तो वो नापाक हो जाती, या ये कि आदमी का जिस्म तो पाक था लेकिन नीचे नापाकी थी, एक आदमी आया सूखा पैर था, जमीन गीली थी, न मालूम उस पर नापाकी थी, आपने सूखा पैर उस पर रख दिया, आपके पैर नापाक हो गए, इसलिए कि वहां नापाकी थी। जिसम सूखा हो, नजासत गीली हो, या नजासत गीली हो, जिसम सूखा हो, या कपड़ा पाक हो, अगर वो उस पर गिर जाए तो नापाक हो जाता है। ये चीजें ऐसी हैं जिनकी तरफ ध्यान भी नहीं जाता है, इसीलिए शरीयत में हुक्म है पाक रहने का, इसको आधा ईमान कहा है। बदन को भी पाक रखो, कपड़ों को भी पाक रखो, जिस जगह तुम नमाज पढ़ो उसको भी पाक रखो, अपने घर को भी साफ रखो और पाक रखो, इसलिए कि बावजू आदमी रहता है और वजू करके आता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम वजू की जगह से वजू करके निकले लेकिन हमारे घर का फर्श नापाक है। औरतें पोछा लगाती हैं और उस पोछे का कोई एतबार नहीं होता कि ये पोछा कहां कहां इस्तेमाल हुआ है। बच्चे ने पेशाब कर दिया, पेशाब करने के बाद थोड़े से पानी से उसको किया, वहां वो पोछा लगा दिया, वो समझ रही हैं कि हाँ नापाकी खत्म होगी, उसी पोछे से कहीं और भी पोछा लगा दिया। आप वजू करके आए, वो जगह खुशक थी, आपके पैर गीले थे, आपने उस खुशक जगह पर वजू का पैर रख दिया, हालांकि वो जगह नापाक थी, आपके गीले पैर की वजह से, उस नापाकी की, नापाक जगह होने की वजह से उसकी नापाकी का असर आपके पैर पर आ गए, आप बड़े मुत्तकी बनकर नमाज पढ़ रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि मेरे पैर नापाक है, ये नमाज मेरी कबूल भी होगी ये नहीं होगी। इसलिए ये पाकी
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اتنی زبردست تعریف فرمائی ہے، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ پاک ہجرت فرما کر تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ سے پہلے ایک بستی قبا میں آپ نے قیام فرمایا تقریباً ایک ہفتے، آپ نے وہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھی جس کو مسجد قبا کہتے ہیں، جہاں دو رکعت نماز کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہے۔ ہر سنیچر کو آپ وہاں تشریف لے جاتے تھے، اور خاص طور سے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ نے اہتمام فرمایا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ بات فرمائی کہ جس مسجد کی بنیاد تقوی طہارت پر رکھی گئی ہے وہاں ایسے لوگ رہتے ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ بھی پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے سوچا کہ قبا والوں کا ایسا کون سا عمل ہے کہ اللہ ان کی پاکی کو قرآن پاک میں تعریف کے طور پر فرما رہے ہیں۔ آپ تشریف لے گئے، آپ نے قبا والوں سے پوچھا کہ اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے پاکی کی، کہ تم بڑے پاک لوگ ہو، کیا عمل ہے تمہارا؟ کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہم دوہری پاکی کرتے ہیں، اور دوہری پاکی یہ ہے کہ استنجے سے فارغ ہو کر ڈھیلا بھی لیتے ہیں اور اس کے بعد پانی سے بھی استنجا کرتے ہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قطرے رہ جائیں درمیان میں، اس لیے ڈھیلا لیتے ہیں اور ڈھیلے سے فارغ ہونے کے بعد پھر پانی سے استنجا پاک کر کے پھر وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ آج ڈھیلا تو عیب کی چیز بن گیا، پہلے زمانے میں تو کسی مسجد میں ڈھیلے ہوتے بھی تھے اور آج کل تو بالکل کہیں نہیں ملیں گے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ صاحب کوئی دعا بتا دو، کہ صاحب قطرے آتے ہیں اور میرے تو وضو کرنے کے بعد اور رکوع میں جانے کے بعد اور کھانسنے کے بعد اور سجدے میں جاتے وقت میرے تو قطرہ آ جاتا ہے۔ ارے آئے گئے قطرہ تو اس لیے کہ آپ جلدی سے جلدی آئے اور جلدی سے پیشاب خانے میں آ کر لائن میں لگے، اور لائن میں لگ کر جیسا آپ کو ملا جلدی سے گئے اور پیشاب سے فارغ ہو گئے، جلدی سے آپ نے پانی ڈالا اور آ کے وضو کر لیا، تو پیشاب کے قطرے تو جو راستے میں رہ گئے وہ تو آپ کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے آئیں گے۔ پہلے کے لوگوں کو پرانے لوگ جانتے ہیں کہ وہ استنجے سے فارغ ہو کر ڈھیلا لیتے تھے، پھر وہ کھڑے ہوتے تھے، ایک پیر پر پیر رکھتے تھے، تھوڑا چلتے پھرتے تھے تاکہ اگر کوئی قطرہ آنے والا ہو تو اونچا نیچا ہونے سے، پیر پر پیر رکھنے سے، ذرا ٹہلنے سے وہ آ جائے اور آدمی کا جسم بالکل پاک ہو جائے، پھر استنجا پانی سے پاک کر کے اور اس کے بعد نماز پڑھتے تھے، زندگی میں کبھی قطرے کی شکایت نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے بھائیو دوست بزرگو، پاکیزگی اور طہارت ایک ایمان کا حصہ ہے، اور اللہ کے نبی نے اس کو آدھا ایمان کے کہا ہے، اور اسلام اس کی زبردست تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ آدمی اپنے دل کو بھی پاک رکھے، بدن کو بھی پاک رکھے، کپڑوں کو بھی پاک رکھے، اپنی جگہ اور اپنے گھر کو بھی پاک رکھے، اپنے گھر کے سامنے جو ہے وہ گھر کے سامنے کے حصے کو بھی صاف رکھے۔ آج ہمیں نے کوڑا لا کر آپ کے گھر کے آگے ڈال دیا، آپ نے میرے گھر کے آگے ڈال دیا، اور زیادہ اور کیا کیا کہ ویسے نہیں ڈالا تو تھیلی میں بن کر کے کسی کے دروازے پر رات کو ڈال دیا۔ یہ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا، آپ نے میرے گھر کے آگے ڈالا، میں نے آپ کے گھر کے آگے ڈال دیا، تو کس کے گھر کے آگے صفائی ملے گی؟ پہلے صفائی مزاج میں اور دماغ میں ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر آدمی کا گھر اور آدمی کی سڑک اور آدمی کے گھر کا آنگن صاف ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے ذہن میں صفائی رکھیں گے تو انشاءاللہ ہر چیز صاف ملے گی اور انشاءاللہ ہر چیز پاک ملے گی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا آمین۔